नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं इंडिया नजर न्यूज, तेज नजर पूरी खबर। यूपी के बुलंदशहर में महिला सहित एक ही परिवार के 4 लोगों को दबंगों ने घर में घुसकर धारदार हथियारों से किया हमला। इतना ही नहीं, दबंगों ने बड़े ही बेखौफ तरीके से घर में घुसकर घटना को दिया अंजाम। 2 लोगों की हालत गंभीर, पास के निजी अस्पताल में भर्ती डॉक्टरों ने हालत गंभीर होती देख बुलंदशहर के लिए किया रेफर। अफसोस की बात तो यह है, पीड़ित 2 दिन से अपनी तहरीर लेकर घूम रहा है, थाने के लगा रहा है चक्कर, लेकिन 2 दिन के बाद भी पीड़ित का मुकदमा नहीं हुआ दर्ज। रात 8 बजे का है, दबंगों ने दबंग तरीके से रास्ते में पानी चला रखा था, जिससे निकलने बढ़ने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जब पीड़िता मुन्नी पत्नी हरी सिंह ने रास्ते में भरे पानी का विरोध किया तो दबंगों ने महिला को अपशब्द बोलने शुरू कर दिए। पीड़िता किसी वजह से अपनी जान बचाकर घर चली आई। दबंगों को इतने पर भी तसल्ली नहीं हुई, अपने कुछ साथियों को साथ लेकर पीड़ित के घर पहुंच गए और बड़े ही बेखौफ तरीके से घर में घुसकर पीड़िता और उसके बेटों पर धारदार हथियारों से वार कर दिया। लहूलुहान हालत में किसी तरह जान बचाकर पीड़ित थाने पहुंचे। पुलिस ने पीड़ितों को अस्पताल में तो भर्ती करा दिया, लेकिन पीड़ितों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज नहीं किया। पीड़ित 2 दिन से कार्रवाई के लिए दर दर की ठोकर खाते हुए घूम रहे हैं। जनपद बुलंदशहर, जनपद अनूपशहर कोतवाली क्षेत्र के गांव खुशालगढ़ का मामला। मुंह में लठ बजाए में नाले में डाल ली है पाए मात मात है पाए खूब लाठ बजाओ मुंह में करी करके 20-25 जने हाँ। वो तो रात उन्हें थोड़ा ही किए कर ठोर मार दे आगे ताएं। कितने लोग घायल हैं आपके घर में से? 20-25 आदमी है पाए। वो तो आपके घर में से कितने लोग घायल हैं? हमारे घर में तो 4 ही है, वहाँ के आदमी तो पुलिस ने क्या कार्रवाई करी है? पुलिस ने तो कैसी कार्रवाई ना करी मैंने तो क्या कह रहे हैं वो कछु नहीं कह रहे को तो कार्रवाई करी ना रहे कैसी है कहाँ हाँ कार्रवाई सुनी ना रहे को तो है कहाँ। झगड़ा किस बात को लेकर हुआ? रास्ता में पानी चल रहा हुआ हमें नाले में है कहा पानी की कह देंगे हम लिकटते खिलन जा पे गाड़ी रपट गई है कहा तो कहा तो ऐसे ही चलाएंगे कि पानी में है कहा लिखा जाए ना कहा रुपये गोबर बाड़ी पर ना लिखा जाए गाड़ी बाड़ी पर ना लिखा जाए बिल्कुल। क्या हुआ तुम्हारे साथ? सर हमारे साथ उन लोगों ने मारपीट की, आके गाली गलौज देने लगी, गाली गलौज देने के बाद में लकड़ियों से बार किया हमारे ऊपर, चोंचदार हथियार भी लाए थे जिसे अपना बचाव करने के लिए